कोरोना महामारी के समय कुछ सूचनाएं हैं जो डॉक्टर होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ, ये हमें प्रिवेंशन में मदद करेगा। पुलिस कर्मी जब भी अपने ड्यूटी पे जाते हैं तो फिर नाश्ता या कुछ खाना खा के जाएं, खाली पेट इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है और हमारी इम्यूनिटी कम रहती है, इसलिए कुछ नाश्ता या खाना खा के जाएं एवं अपने साथ कुछ खाने का ले कर भी जाएं ताकि दूसरों से लेने की ज़रूरत ना पड़े और इसमें इन्फेक्शन का रिस्क भी नहीं रहेगा। और बाहर से के लोगों के हाथों अगर कोई भी नाश्ता दिया जाता है तो उसे कम से कम ले ताकि दूसरों के हाथों से इन्फेक्शन आने का खतरा ना रहे। अक्सर हम ये देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन होती है। हम पब्लिक से तो डिस्टेंस रखते हैं, बट हम जब ऑफिस में काम करते हैं, अपने थाने में काम करते हैं, तो हम एक दूसरे से नहीं रखते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मिनिमम 6 फीट या 1 मीटर का अंतर बनाए रखें, चाहे वो कोई भी हो, हमारे सीनियर हो, हमारे जूनियर हो, हमारे साथ काम करने वाले लोग हो, एक पॉइंट पे साथ में बैठ के काम करने वाले लोग हो, हमें इतना अंतर कम से कम बनाए रखना चाहिए। फिर जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं तो कोई भी एक्सेसरी ना पहने। एक्सेसरी यानी कि कोई भी घड़ी, रिंग, कोई धागा हो, माला है, इयररिंग हो, कोई भी ऐसी एक्सेसरी ना पहने, क्योंकि घर पे आने के बाद हम ये एक्सेसरी को कभी सैनिटाइज नहीं करते हैं, इन्हें कभी साफ नहीं करते हैं और ज़्यादातर यही इन्फेक्शन का एक जरिया बन सकते हैं। जब हम ड्यूटी पे होते हैं, बाहर होते हैं, तब मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर ज़रूरत लगती है कि मोबाइल इस्तेमाल करना पड़े तो फिर राइट हैंड से करें, एक ही हाथ से ज़्यादातर इस्तेमाल करें और एक हाथ हो सके वहाँ तक फ्री रखें, ताकि अगर ज़रूरत पड़े कि हमें अपने मुंह पे ग्लव्स पे मास्क को भी कुछ पहन छूने की ज़रूरत पड़े तो हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। घर जाने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है हमारी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में बैच आते हैं, स्टार्स आते हैं, बेल्ट और कैप आती है। ये चीज़ें हम लोग रोज़ बरोज़ धो नहीं सकते हैं, तो इन्हें पहले ही उतार के घर में एक ऐसे कोने में रखें जहाँ पे बच्चे या बुजुर्ग इनके संपर्क में ना आ सके। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके या गीले कपड़े से थोड़ा पोंछने का रखें इनको, जहाँ तक हो सके पोंछ के एक कोने में इन्हें रख दिया जाए। फिर ज़्यादा सही तो ये होगा कि हम यूनिफॉर्म को धोने डाल दें। रोज हो सके अगर दो पैर हो आपके पास तो दो जोड़ी हो तो एक आज धोने में डालें और दूसरा प्रयोग करें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप आज यूनिफॉर्म जब उतारें तब अलग से उसे एक कोने में रख दें, हो सके तो धूप में रख दें ताकि थोड़ा उसे हवा लग सके, और फिर इसको अगले दिन फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि जो दो जोड़ी आपके पास यूनिफॉर्म हो तो घर में जाते ही एक साबुन वाला पानी तैयार करें, गर्म पानी, सीधे उधर जाके यूनिफॉर्म उसमें डाल दी जाए, कुछ देर तक उसी में रहने दी जाए और फिर उसे साफ करके निकाल लिया जाए। घर में कोई भी बुजुर्ग या बच्चों के संपर्क में या किसी के संपर्क में आने से पहले यूनिफॉर्म को आप निकाल दें और नॉर्मल कपड़े आप पहन लें, ताकि घर में आप बाहर का इन्फेक्शन न ले जाए या कम से कम ले जाए। इसी तरह बाहर से खरीदी हुई कोई भी चीज़ें हो या बाहर से कोई भी चीज़ आप लाते हैं तो उसे घर के एक कोने में रख दें। कई वीडियो है जो कहते हैं 12 घंटे 18 घंटे तक ये इन्फेक्शन रहता है चीज़ों पर, तो 12 से 24 घंटे तक घर के कोने में रख दिया जाए इन चीज़ों को और इनको न छुआ जाए, और फिर उनको नेक्स्ट डे अगले दिन उनको लेकर उनका इस्तेमाल किया जाए। अब जहाँ तक वीडियोस और ऑडियो का सवाल है, काफ़ी ऐसे भी है जो बोलते हैं कि गर्म पानी हर एक घंटे पे पिए तो इस वायरस मर जाता है, विटामिन सी की 4 से 5 गोलियाँ खाएं तो वायरस मिट जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो इसको प्रूफ कर सके कि ये सही है। हाँ, लेकिन कोरोना वायरस शायद ना मरे, लेकिन हमें हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो ज़रूर बढ़ सकती है इन सब चीज़ों करने से। थोड़ा गर और हमारे को जो सर्दी जुकाम सामान्य तरीके से जो होता है उनसे हम इससे बच सकते हैं। तो गर्म पानी है, काढ़ा है, विटामिन सी की गोली अगर हो तो 1 गोली दिन में, ठीक है, और ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध है, ये सब सामान्य चीज़ें हैं, नॉर्मल घरों में आपको मिल सकती है। इनसे लेने से हमारी रोग शक्ति बढ़ सकती है। कोरोना के वायरस के मरने का इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं है, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपको अपनी ड्यूटी पे काम करने में मदद करेगा। और सबसे महत्व की बात यह है कि एक अच्छी हेल्दी डाइट और कसरत, ये मेन चीज़ें हैं, वो अगर हम अच्छे से करें और अगर हम अच्छे से रेस्ट लें, जितना भी ड्यूटी से ऑफ टाइम मिलता है आप आराम करें, अच्छी नींद लें, तो ये सब भी आपकी रोग शक्ति और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। बाकी रही सबसे महत्व की बात, जो बार बार कई बार की हम लोग कहते हैं और सारे वीडियोस और ऑडियोस भी यही कह रहे हैं, कि सबसे पहले तो ड्यूटी पर जाएं तब ग्लव्स पहनें,
ठीक है, दोनों हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए, मास्क पहने, मास्क हो सके तो डबल लेयर का पहने, अगर आपके पास कपड़े का मास्क हो तो फिर एक कपड़े का मास्क के ऊपर रुमाल बांध सकते हैं। मास्क पहनते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप मास्क एक बार पहन लेते हैं इस तरह से, ठीक है, फिर उन्हें ऐसे किसी से बात करने के लिए हम ऐसे नीचे करते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए नाक के नीचे करते हैं, तो ये सब करने से मास्क पहनने का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। मास्क पहनना है तो एक बार दोनों हाथों से पहन ले, उसके बाद उसे निकाले नहीं, आपकी ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद ही निकालें। यदि पानी पीना हो या कुछ खाने की आवश्यकता पड़ती हो तो अच्छे से हाथ धोए या सैनिटाइजर का उपयोग करें, फिर आप मास्क को एक हाथ में पकड़े, पानी पी लें या खाना खा लें, उसके बाद वापस मास्क पहन लें। कपड़े के मास्क हो तो घर जाके जरूर गर्म पानी में 5 से 10 मिनट डेटॉल डाल के या कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल के उसे गर्म पानी में साफ करें और फिर सुखा दें। चश्मे पहनने का रखना चाहिए ड्यूटी पे, इससे दो फायदे होते हैं, कोई भी थूक कहीं से निकलती हो, कोई बात कर रहा हो तब अचानक से आ जाए, या कोई भी छींटे उड़ती हो तो वो आंखों से आपके आंखों को सेफ्टी का प्रिकॉशन दे सकती है। और सबसे मूल बात यह है कि आपको हाथ धोना रखना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग हाथ धोने के बदले में नहीं करा जा सकता है, हाथ धोना सबसे जरूरी है। और जब हाथ धोए तो वही 8 से 10 स्टेप जो बार बार वीडियो में दिखाए जाते हैं कि आप पहले सीधे हाथ धोए, फिर अपने उल्टे हाथ धोए, फिर मुट्ठियों को धोए, स उ मन सुमन इसका एक निमोनिक है, ठीक है, सीधे हाथ, उल्टे हाथ, ठीक है, मुट्ठियां, अंगूठे, ठीक है, नाखून आपके, ठीक है, और फिर फाइनली हथेलियां। इस तरह से आप हाथ धोए कम से कम 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। हाथ धोने के बाद यदि सैनिटाइजर हो तो उसको लगा सकते हैं, नहीं तो हाथ धोना रखें, हर 1-2 घंटे पे हाथ धोने का रखें। और कोई भी लक्षण हो बीमारी के, अगर कोई भी आपको छींक आती हो, खांसी हो या ऐसे कोई भी बीमारी के लक्षण हो तो अपने नजदीकी आरोग्य केंद्र में तुरंत जाएं और जांच कराएं। और सबसे जरूरी बात है कि ये पूरे दौरान ड्यूटी करते वक्त और घर के टाइम पे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने घर वालों की सेफ्टी का ध्यान रखें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इन सब चीजों से हम कोरोना की लड़ाई में आगे